बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में वेलकम आपको। जैसा कि आप देख रहे हो, इस लेक्चर में टॉपिक रखा गया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और इस लेक्चर में फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 8.1, द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम अ रेडियो ट्रांसमीटर इज 1500 मीटर। बेसिकली ये दो सिग्नल का डाटा दिया हुआ है, तो फर्स्ट सिग्नल उसकी वेवलेंथ गिवन है 1500 मीटर और इसकी फ्रीक्वेंसी है 200 किलोहर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी F1 इक्वल टू 200 किलोहर्ट्ज इक्वल टू आ जाएगी 210^3 हर्ट्ज। इसके बाद सेकंड एक ट्रांसमीटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 1000 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड सिग्नल या अदर सिग्नल F2 इक्वल टू 1000 किलो हर्ट्ज, ये वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी 1000 × 10^3 हर्ट्ज। और हमने अब दो चीजें कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज वेवलेंथ, सेकंड जो ट्रांसमीटर है उसकी सिग्नल की वेवलेंथ, और हमने फाइंड करनी है व्हाट इज स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स। तो ये फर्स्ट जो सिग्नल है उसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 1500 मीटर, उसकी फ्रीक्वेंसी 200 किलोहर्ट्ज विच इज इक्वल टू 210^3 हर्ट्ज। सेकंड जो ट्रांसमीटर है उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 किलोहर्ट्ज इक्वल टू 1000 × 10^3 हर्ट्ज, और फाइंड करना है हमने स्पीड ऑफ द रेडियो वेव, और हमने फाइंड करनी है वेवलेंथ ऑफ द अदर सिग्नल लैम्डा 2। सबसे पहले आपको मालूम है कि किसी भी वेव के लिए फंडामेंटल इक्वेशन होती है वी इक्वल टू एफ लैम्डा। तो जो फर्स्ट सिग्नल है उसके लिए हमें F1 और लैम्डा 1 गिवन है, तो इसलिए हम रिलेशन यूज कर लेते हैं v इक्वल टू F1 लैम्डा 1। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं 210^3 मल्टीप्लाइड बाय 1500, और आफ्टर कैलकुलेशन ये स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ द वेव के लिए रिलेशन आ गया 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। और चूंकि सेकेंड सिग्नल की स्पीड भी यही होनी है, तो फिर हमें मालूम है कि v इक्वल होता है f लैम्डा। तो सेकंड सिग्नल के लिए v इक्वल टू F2 लैम्डा 2, या हम इसको लिख सकते हैं F2 लैम्डा 2 इक्वल टू v, और यहां से लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी v ओवर F2। अब इसमें वैल्यू पुट की है 3×10^8 ओवर 1000 × 10^3, इस तरह लैम्डा 2 की फिर वैल्यू आ जाएगी 300 मीटर।8.2 है न्यूमेरिकल, टू स्पीकर्स आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 मीटर एंड दे एमिट अ कांस्टेंट टोन ऑफ 344 हर्ट्ज। ये देखिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ इक्वल टू है 344, और इन स्पीकर्स यानी S1 और S2 स्पीकर्स के मियां डिस्टेंस 3 मीटर, और फिर गिवन है अ माइक्रोफोन पी इज मूव्ड अलोंग अ लाइन पैरेलल टू एंड 4 मीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ मैक्सिमम लाउडनेस
ये है जी 4 मीटर फ्रॉम द लाइन कनेक्टिंग द टू स्पीकर्स। तो माइक्रोफोन जो मूव किया जाता है वो एक ऐसी लाइन के अलॉन्ग मूव किया जाता है जो S1 S2 के पैरेलल है और इससे 4 मीटर डिस्टेंस पर है। तो यानी S1 से डिस्टेंस ऑफ माइक्रोफोन वाली जो लाइन है उसका डिस्टेंस है 4 मीटर। तो S2P2 इक्वल्स टू S1P1 ये वैल्यू है 4 मीटर। और हमें ये कहा गया है इट इज फाउंड दैट टोन ऑफ मैक्सिमम लाउडनेस इज हियर्ड एंड डिस्प्लेड ऑन द CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप व्हेन माइक्रोफोन इज ऑन द सेंटर ऑफ द लाइन, यानी पॉइंट O पर जब है तब मैक्सिमम लाउडनेस हुई एंड डायरेक्टली ऑपोजिट टू ई स्पीकर। और फिर उसके बाद मैक्सिमम लाउडनेस आती है जब जो माइक्रोफोन है वो डायरेक्टली ऑपोजिट होता है स्पीकर S1 या स्पीकर S2 के। कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड, बेसिकली हमने स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे S2P1 की जो लेंथ है वो कैलकुलेट करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। S2P1 फिर इक्वल्स हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 9 प्लस 16। S2P1 इक्वल्स आ गया स्क्वायर रूट 25। इस तरह S2P1 की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। S2P1 इक्वल्स टू 5 मीटर। अब बच्चों मैक्सिमम लाउडनेस होने की रीजन ये है कि दो साउंड वेव्स हैं, एक S1 से और दूसरी प्रोड्यूस होती है S2 से। यहां पर माइक्रोफोन में जब ये दोनों वेव्स आएंगी तो दोनों साउंड की वेव्स के दरमियान अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी तो फिर लाउडनेस मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी तो लाउडनेस जीरो हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन ये है कि दो साउंड वेव्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो 0 वेवलेंथ हो या 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ या 3 सो ऑन। एक बार लाउडनेस मैक्सिमम होती है पॉइंट ओ पर, और स्मिटिकली अगर देखें तो S1O S2O ये जो पावर डिफरेंस है ये 0 वेवलेंथ के इक्वल होगा। दूसरी बार जो मैक्सिमम लाउडनेस आनी है वो तब आनी है जब दोनों पाथ के दरमियान डिस्टेंस डिफरेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 वेवलेंथ। तो P1 पर मैक्सिमम लाउडनेस आएगी अगर दोनों स्पीकर से आने वाली जो वेव्स हैं उनके जो पाथ के दरमियान डिफरेंस है वो 1 वेवलेंथ है। तो सिमिलरली या सिंपल वर्ड में ये बता दूं कि S2P1 वो डिस्टेंस है जो साउंड वेव्स ने कवर किया है जो कि स्पीकर S2 से पहुंची है P1 पर, और S1P1 वो डिस्टेंस है जो स्पीकर S1 की वेव ने कवर किया है P1 तक पहुंचने में। हमें सिंपली ये कैलकुलेट करना है कि इनका जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 1 वेवलेंथ के इक्वल है, और वहां से हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करेंगे। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P1 द पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू वेवलेंथ। इसका मतलब है S2P1 माइनस S1P1 शुड बी इक्वल टू 1 वेवलेंथ। अब इनकी वैल्यू पुट करें, S2P1 की वैल्यू है 5 और S1P1 की वैल्यू है 4 इक्वल टू वेवलेंथ। तो इसका मतलब 5 माइनस 4 इक्वल टू लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा, या यू कह लें कि इस केस में वेवलेंथ की वैल्यू आ गई है 1 मीटर। अब आप जानते हो V इक्वल होता है F लैम्डा, वैल्यू पुट करें 344 मल्टीप्लाइड बाई 1। इस तरह स्पीड ऑफ साउंड के लिए रिलेशन आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 344 मीटर पर सेकेंड।
और अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल 8.3। अ स्टेशनरी वेव इज एस्टेब्लिश्ड इन अ स्ट्रिंग विच इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसका मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करें तो ये मीटर में वैल्यू आ गई 1.2 मीटर एंड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन फोर लूप फोर सेगमेंट्स, तो नंबर ऑफ लूप्स एन इक्वल टू 4 और फ्रीक्वेंसी है फोर लूप्स में फ्रीक्वेंसी F4 इक्वल टू है 120 हर्ट्ज। Determine its wavelength and frequency of and the fundamental frequency यानी F1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है F1। ये दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ लैम्डा और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1। और स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेचिंग में लैम्डा एन के लिए रिलेशन होता है 2L/N। इसमें एन होती है नंबर ऑफ लूप्स और एल होती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लैम्डा एन इक्वल्स टू 2L/N। तो एन की वैल्यू 4 पुट करनी है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लूप्स की वैल्यू 4 है, तो लैम्डा 4 फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 2L/4। अब इसमें एल की वैल्यू अगर पुट करें तो 2 × 1.2/4, इस तरह लैम्डा 4 की वैल्यू आ गई 0.6 मीटर। जब 4 लूप्स बनी है उसमें हर वेव की जो वेवलेंथ है वो उसकी वैल्यू आ गई है 0.6 मीटर। नेक्स्ट पर हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोड Fn इक्वल होता है एन एफ वन और एन की वैल्यू यहां पर 4 है, तो एफ 4 इक्वल टू आ जाएगा 4F1। हमने F1 फाइंड करना है, F1 इक्वल टू आ जाएगा F1/4। वैल्यू पुट कर लें 120/4, तो F1 की वैल्यू आ गई 30 हर्ट्ज। तो ये वेरिकल कंप्लीट हो गया है, मैं इसको जरा शो कर देता हूं। अमेरिकल है 8.4। दी फ्रीक्वेंसी ऑफ नोड एमिटेड बाय अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 300 मीटर, तो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 300 हर्ट्ज। व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नोड व्हेन, फर्स्ट कंडीशन है लेंथ ऑफ वेव इज रिड्यूस्ड बाय 1/3, यानी वेवलेंथ है जो 1/3 रिड्यूस कर दी जाए कम कर दी जाए विदाउट चेंजिंग द टेंशन। सेकेंड कंडीशन है टेंशन इज इंक्रीज बाई 1/3, टेंशन को 1/3 इंक्रीज किया जाए विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। तो इन केसेस में हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और हमें मालूम है कि वी इक्वल होता है एफ लैम्डा या एफ इक्वल हो जाएगा V/λ। अब कंडीशन ये थी कि अगर फर्स्ट ए पार्ट में अगर जो वेवलेंथ है वो 1/3 रिड्यूस कर दी जाए कम कर दी जाए, जब वेवलेंथ अब लैम्डा है जब इसको रिड्यूस करेंगे 1/3 तो फिर लैम्डा माइनस हो जाएगा λ/3। लैम्डा ओरिजिनल वेवलेंथ थी, उसमें से रिड्यूस करना है λ/3, तो इसका मतलब माइनस करना है λ/3। ये वैल्यू बनती है 3 LCM ले लें, 3λ − λ/3 2λ/3, इसका मतलब है कि अब रिड्यूस वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 2λ/3। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो इसको अगर हम एफ डैश कह लें, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन था V/λ,
अब न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन आ जाएगा v ओवर, अब लैम्डा की बजाय आ जाएगा 2 लैम्डा ओवर 3, ये ओवर में 2 लैम्डा ओवर 3 है, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 3 ओवर 2 लैम्डा इनटू v। अब इसमें वैल्यू पुट कर लें, 3 ओवर 2 और v ओवर f जो है ये इक्वल्स टू है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, f के इक्वल है ये लिखा हुआ है v ओवर लैम्डा की जगह पर आ जाएगा f, इसका मतलब है कि अब जो न्यू फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू आ गई है 3 ओवर 2 f, f की वैल्यू पुट कर लें 3 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 300 और ये कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आ जाएगी 450 हर्ट्ज। सेकंड कंडीशन ये थी कि अब आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जब इसमें स्ट्रेचिंग फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाए, और जाहिर है इसमें हम वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें स्ट्रेचिंग फोर्स आती है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स होती है 1 ओवर 2l स्क्वायर रूट एफ ओवर एम, और f की वैल्यू अब इंक्रीज करनी है 1/3 व्हेन f इज इंक्रीज बाय 1/3, यहां f की टेंशन की वैल्यू f है, जब इसमें इंक्रीज करेंगे 1/3 तो f प्लस हो जाएगा f ओवर 3, 3 एलसीएम आ गया 3f प्लस f ओवर 3, इसका मतलब है कि अब इसमें जो स्ट्रेचिंग फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी 4f ओवर 3। अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, अब फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन हो जाएगा 1 ओवर 2l स्क्वायर रूट f ओवर m था, अब f की बजाय आ जाएगा 4f ओवर 3m, ये जो फैक्टर है जो न्यू फैक्टर आया था 4 ओवर 3, इसको अगर हम इस ब्रैकेट से बाहर लिख लें, स्क्वायर रूट से बाहर लिख लें, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 ओवर 3 इन टू में आ जाएगा फिर 1 ओवर 2l स्क्वायर रूट f ओवर m, और ये टर्म जो है 1 ओवर 2l स्क्वायर रूट f ओवर m दिस इज इक्वल टू f, ये इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, इसका मतलब है कि अब जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल आ जाएगी स्क्वायर रूट 4 ओवर 3f, वैल्यूज पुट कर लें, इस तरह ये वैल्यू आ जाती है 346 हर्ट्ज के इक्वल। वेरिएबल नंबर 5 है, एन ऑर्गन पाइप हैज अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पाइप l इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आ जाएगी 0.5 मीटर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फंडामेंटल नोट एंड द नेक्स्ट हार्मोनिक व्हेन इट इज ओपन एट बोथ एंड्स क्लोज एट वन एंड, हमने फाइंड करनी है When pipe is open at both ends, find करनी है fundamental frequency f1 और next harmonic find करना है जिसको हम कहते हैं f2 और second p part में find करना है when pipe is closed at one end, हमने find करनी है fundamental frequency f1 और next node f3, जब pipe एक end से close हो जाए तो फिर जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो होती हैं f1, f3, f5 एंड सो ऑन, तो फंडामेंटल तो f1 ही रहेगी लेकिन इसमें नेक्स्ट हार्मोनिक जो है वो f2 नहीं आएगा बल्कि f3 होगा। व्हेन पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स के लिए रिलेशन होता है fn इक्वल्स टू nb ओवर 2l, इसमें वैल्यू पुट करें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए n की वैल्यू आ जाएगी 1, f1 इक्वल्स आ जाएगा 1b ओवर 2l, अब वैल्यू पुट कर लें 350 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, इस तरह f1 की वैल्यू आ जाएगी 350 हर्ट्ज़।
और इसमें नेक्स्ट हार्मोनिक हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू अब 2 पुट कर लें, 2v/2l, 2×350/2 × 0.5, तो 700/1 आ गया 700। आप चाहें तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू F2=2F1 से भी मालूम कर सकते हैं, वो भी ठीक है मेथड। दूसरा केस है व्हेन पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड इसके लिए Fn होता है Nv/4l। अब व्हेन पाइप इज क्लोज एट वन एंड के लिए फार्मूला होगा Fn का Nv/4l। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए आपने n पुट कर लेना है 1, तो F1 फिर आ जाएगा 1v/4l वैल्यू पुट की, तो 350/2 आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी 175 हर्ट्ज। और इसमें नेक्स्ट जो हार्मोनिक आना है वो F3 होगा, तो अब n की वैल्यू 3 पुट कर लें, ये गिवन फार्मूले में Nv/4l है 4l, इसमें अब n की वैल्यू आपने 3 पुट करनी है, तो F3 पर इक्वल आ जाएगा 3v/4l, तो 3×350/4×0.5 1050/2, और इसलिए इस तरह फिर F3 की वैल्यू आ जाएगी 525 हर्ट्ज। आप चाहें तो डायरेक्ट F3 इक्वल्स होते हैं 3F1, जो F1 की वैल्यू आई है उसका 3 टाइम कर लें, F3 की वैल्यू आ जाएगी, वो मेथड भी करेक्ट होगा। और इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल और लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज़।